इस अनोखे कहानी की शुरुआत होती है केट नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि एक स्पेसशिप में मौजूद थी। चौंका देने वाली बात ये होती है कि केट जैसे और भी बहुत सारे यंगस्टर्स इस स्पेसशिप पर ही पैदा हुए थे, यानी कि उन लोगों ने पृथ्वी का तो चेहरा ही नहीं देखा होता। केट और उसकी पूरी टीम स्पेसशिप में बैठकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे होते हैं अलग अलग प्लैनेट्स की खोज करने के लिए, क्योंकि अब हमारी पृथ्वी सूर्य के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी थी, जिससे कि सूर्य की किरणें बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाती हैं। इन सारी चीजों की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर काफी बढ़ गया था और वहाँ पर इंसान रह नहीं पा रहे थे। इसीलिए टोटल 7 एडवांस स्पेसशिप को अंतरिक्ष में भेजा गया, जिससे कि वो अलग अलग प्लैनेट्स को पता कर पाए जहाँ इंसानी सभ्यता को ट्रांसफर किया जा सकता था। हालांकि इतने सालों की रिसर्च के बाद भी उन्हें कोई प्लैनेट नहीं मिला होता जो कि पृथ्वी जैसा हो। अब हमें केट का स्पेसशिप दिखाया जाता है, जिसका कैप्टन हंटर नाम का एक आदमी था। कैप्टन हंटर अपने टीम में मौजूद सारे यंगस्टर्स को अच्छे से ट्रेनिंग देते थे, जिससे कि अगर उन्हें कुछ सालों के अंदर एक दूसरा प्लैनेट मिल भी जाए तब ये टीम उस प्लैनेट पर जाकर एक्सप्लोरेशन का काम कर सके। कैप्टन हंटर तो स्पेसशिप के अंदर ही एक बहुत ही बड़ा सिमुलेशन तैयार कर देते थे, जिसके अंदर उन यंगस्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो वहाँ के जानवरों से कैसे लड़ पाएंगे। उन्हें बंदूक चलाना, फाइटिंग करना जैसे बहुत सारी टेक्निक कैप्टन हंटर ने सिखाई होती है। खास करके कैप्टन हंटर केट पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि जब केट को इस मिशन में शामिल किया जाने वाला था तब केट के फादर ने उससे वादा किया होता है कि तुम केट का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। कैप्टन हंटर इसी तरीके से अपने सारे टीम मेंबर्स को कड़ी ट्रेनिंग देते थे। अब हमें यहाँ केट दिखाई जाती है जो फ्री टाइम में गैलेक्सी के अंदर मौजूद अलग अलग सोलर सिस्टम को देख रही थी। तभी अचानक उसे गैलेक्सी के अंदर एक प्लैनेट मिलता है जहाँ से लगातार सिग्नल्स आ रहे थे। केट ने तुरंत ही ये बात कैप्टन हंटर को बताई, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसीलिए कैप्टन हंटर ने अपने सारे स्टूडेंट्स को बुलाकर ये डिसाइड किया कि उन्हें एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट मिला है जहाँ का एनवायरनमेंट पृथ्वी जैसा था। इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों की एक टीम बनाई है जो उस प्लैनेट पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगी। उस टीम के अंदर केट भी शामिल होती है। अब बिना देरी किए कैप्टन हंटर अपने उन स्टूडेंट्स के साथ निकल पड़ते हैं स्पेसशिप में बैठकर उस अनजान प्लैनेट की तरफ। कैप्टन हंटर ने बताया कि भले ही उस प्लैनेट पर ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में होगी, लेकिन उन स्टूडेंट्स के नाक के अंदर पहले से ही एक छोटा सा डिवाइस इंटर कर दिया गया है, जिससे कि वो बड़ी आसानी से सांस ले पाएंगे। अब देखते ही देखते उनका स्पेसशिप प्लैनेट के एनवायरनमेंट में घुसने लगता है, लेकिन तभी अचानक स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ी आने की वजह से वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होने लगी थी। स्पेसशिप के तो टूटकर दो टुकड़े हो जाते हैं और अब देखते ही देखते सारा स्पेसशिप का मलबा उस प्लैनेट की तरफ गिरने लगा था। केट की नसीब अच्छी होती है कि वो स्पेसशिप से थोड़ा सा अलग होकर गिर रही थी। केट को कुछ समझता ही नहीं कि वो क्या करे, पर जैसे ही वो जमीन के थोड़ा और कॉन्टेक्ट में आने वाली थी वो अपना पैराशूट ओपन कर देती है। अच्छा लक होने के कारण केट एक समुद्र में जाकर गिर रही थी। अब हमें यहाँ उस प्लैनेट के रही वासियों को दिखाया जाता है जो केट को गिरते हुए देख रहे थे। वो जल्द से जल्द अपने बस्ती वालों के साथ वहाँ पर जमा हो जाते हैं केट को पकड़ने के लिए। तभी वहाँ पर पॉल नाम के एक लीडर के लोग आ जाते हैं जो कह रहे थे कि तुम पीछे हट जाओ, हम इन सारे लोगों को बंदी बनाएंगे। तब तक वहाँ केट लगातार तैरते हुए दूसरे किनारे पर चली जाती है। इतने सारी चीजें एक साथ होने के बाद केट बहुत ही ज्यादा थक गई थी, पर तभी भी वो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से अपने बाकी टीम मेंबर से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहती है। केट जब उस जगह पर लेटी हुई थी तभी उसके पास एक घोड़ा आकर उसे सूंघ कर चला जाता है। केट को नहीं समझ रहा था कि आखिर ये घोड़ा चाहता क्या था। तभी केट की नजर आसमान से गिरते हुए स्पेसशिप के मलबे की तरफ पड़ती है जो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिर रहे थे, और अगर उनमें से एक भी टुकड़ा केट को लग गया ना तो उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज होगा। इसीलिए अब केट को उन सारे मलबों से बचने के लिए पानी के अंदर वापस कूदना पड़ता है। जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से केट ने जल्द से जल्द अपने बाकी टीम मेंबर्स के लोकेशन का पता लगा लिया था। वो जल्द से जल्द उन्हें किनारे पर भी लेकर आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद केट को पता चला कि उसकी बचपन की दोस्त को चोट लगने की वजह से उसने अपना दम तोड़ दिया है। केट को इस बात से बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। केट इन सारी चीजों को फिगर आउट कर पाती इससे पहले प्लैनेट पर रहने वाले वो सारे रहीवासी आकर उन सभी को मारने लग जाते हैं। वो सब तो केट के सारे टीम मेंबर्स को पकड़कर अपना गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ केट की टीम भी चुप नहीं बैठती। वो कैप्टन हंटर द्वारा सिखाए गए सारे फाइटिंग टेक्निक्स अपनाकर उन लोगों को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ एक रहीवासी ने तो केट के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था। हालांकि केट पूरी तरीके से बेहोश नहीं होती, तभी वो अचानक देखती है कि काफी अजीब टाइप के क्रिएचर्स उस जगह पर आकर उसके टीम मेंबर्स और उन आदिवासियों पर हमला करने लगे थे।
और अब तो कोई अनजान चीज केट को लगातार खींचने लगी थी और उसे कहीं दूर लेकर जाती है। अब कई घंटों तक आराम करने के बाद केट ने जब अपनी आंखें खोली तब वो अपने आप को एक गुफा में पाती है। ये गुफा और किसी की नहीं बल्कि एक खतरनाक क्रिएचर की थी जिन्होंने उसके सारे दोस्तों और आदिवासियों को मार गिराया। वो खतरनाक क्रिएचर तो केट पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी केट तुरंत ही उठकर वहां पड़ी जली हुई एक लकड़ी को उठा लेती है जिससे कि वो उस क्रिएचर को अपने से दूर करने लगी थी। केट ने तो बड़ी चालाकी से आग की मदद से उस क्रिएचर को अपने से दूर किया और उस पर हमला करने लगी। केट उस क्रिएचर को चकमा देकर उस गुफा से तुरंत ही बाहर निकल जाती है। अब केट लगातार ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से अपने बाकी टीम मेंबर्स का पता लगाने लगी थी लेकिन उसे कुछ मिनटों तक कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं। वहाँ पर तो बहुत सारे चट्टानी इलाके मौजूद होते हैं। केट उन चट्टानों के एकदम टॉप पर चली गई थी जिससे कि उसका सिग्नल बड़ी आराम से मिल जाए और होता भी कुछ ऐसा ही है। केट को उसके कैप्टन हंटर का सिग्नल मिल गया था जो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है। कैप्टन हंटर का तो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो दोनों पैर टूट चुके थे जो एक चट्टानों के बीच में पड़ा हुआ होता है। केट ने अपने ट्रैकिंग डिवाइस और जीपीएस सिस्टम से पता लगाया कि उसकी और कैप्टन हंटर की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और वहां तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं होगा। हालांकि कैप्टन हंटर भी केट को समझाते हैं कि तुम मेरी मदद करने मत आओ क्योंकि इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन यहाँ केट कैप्टन हंटर की बात बिल्कुल भी नहीं मानती। उसने तो डिसीजन ले लिया था कि वो किसी भी हालत में कैप्टन हंटर को जाकर बचाएगी। केट तुरंत ही निकल पड़ती है उस डायरेक्शन में जहाँ पर हंटर अभी भी फंसा हुआ था। ताज्जुब की बात ये थी कि वो सारी जगह एकदम से बंजर होती है, साथ ही साथ उस जगह पर बड़े बड़े पत्थर भी मौजूद थे। अब कई घंटों तक का रास्ता तय करने के बाद केट सिर्फ एक ही किलोमीटर क्रॉस की होती है जिससे कि उसे अंदाजा हो गया था कि कैप्टन हंटर तक पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल था लेकिन फिर भी वो अपने सफर को कंटिन्यू कर रही थी। रास्ते में केट को कुछ बेरीज मिल जाते हैं जो खाने लायक थे क्योंकि कैप्टन हंटर ने उन्हें इन सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है कि इस टाइप की सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करना है और कैसे अच्छी चीजों का ध्यान रखना है। अब रात होने पर केट वहीं की एक गुफा में रुक जाती है जिससे कि उसे खतरा ना हो क्योंकि रात होने पर इस प्लेनेट पर अजीब तरीके के क्रिएचर्स और खतरनाक जानवर घूमते थे जो केट को खत्म करके कच्चा चबा सकते हैं। सुबह होने पर केट अपने लिए लकड़ी की मदद से एक नुकीला खंजर बनाने लगती है जिससे कि वो खुद पर होने वाले हमले से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन केट को ये बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था कि उसका एक आदमी लगातार पीछा कर रहा है। ये आदमी उसी प्लेनेट पर रहने वाला एक रहीवासी होता है लेकिन ताज्जुब की बात थी कि वो केट पर हमला नहीं कर रहा था, सिर्फ उसे देखकर फॉलो कर रहा था। अब यहाँ केट उस पहाड़ी वाले इलाके में चलते हुए कुछ आदिवासियों को देखती है और उनका लगातार पीछा करने लगती है। केट उन सारे आदिवासियों की बातें सुनने और समझने का ट्राई कर रही थी पर तभी अचानक उनमें से कुछ आदिवासियों ने केट को देख लिया था और उस पर हमला भी करने लगी। केट तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही पथरीले वाले इलाके से भागने लगी। पीछे पीछे वो सारे आदिवासी भी केट को फॉलो कर रहे थे। अगर केट उनके हाथ लग गई तब शायद वो उसे जान से मार देंगे लेकिन उसी जगह पर वही एक दूसरा आदिवासी मौजूद था जो लगातार केट पर नजर रख रहा था। तभी वो दूसरा आदिवासी चट्टान के बीच में से आता है और केट को पकड़कर एक जगह पे छुपा देता है जिससे कि उसका पीछा करते हुए बाकी सारे आदिवासी आगे निकल गए थे। अब यहाँ पर वो आदिवासी केट को एकदम शांत रहने के लिए कह रहा था जैसे कि वो उसका कोई दोस्त हो लेकिन केट को साफ साफ पता था कि यहाँ के सारे प्लेनेट के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इसीलिए वो दूसरे आदिवासी के चंगुल से आजाद होकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन बुरे आदिवासियों ने केट को पकड़ लिया था। अब केट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता उनसे फाइट करने के सिवा। केट भी अपने हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी की मदद से उन्हें काफी अच्छी टक्कर देते रहती है। उल्टा वो तो उन सभी को एक साथ ही संभाल ले रही थी क्योंकि उसे कैप्टन हंटर ने काफी अच्छी ट्रेनिंग दी होती है। देखते ही देखते केट ने बहुत ही कम समय में उन सारे आदिवासियों को मार कर खत्म कर दिया था। केट अब उन आदिवासियों के सारे सामान और वेपन्स लेकर वहाँ से अपने सफर की तरफ निकल पड़ती है। अब उसे किसी भी हालत में कैप्टन हंटर की लोकेशन तक पहुँचना होगा और उसे बचाना होगा। चलते चलते केट के सामने एक बड़ी सी चट्टान आ गई थी लेकिन अब केट इतनी दूर आने के बाद अब पीछे नहीं हट सकती। केट ने तो बड़ी हिम्मत दिखाई और पहाड़ के ऊपर लगातार चढ़ने लगी। उसे तो किसी भी हालत में कैप्टन को रेस्क्यू करना था और इस प्लेनेट से बाहर निकलना था।
अपने सफर में आगे बढ़ते समय साथ ही साथ केट कैप्टन हंटर से बात कर रही थी, जो कि उसे मोटिवेट करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये पूरा सिचुएशन बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला होता है। अब यहाँ अगले दिन जब केट अपने सफर की शुरुआत करने जा रही थी, तभी उसे एक गुफा के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। केट अपने हाथ में तीर धनुष लेकर उस तरफ बढ़ने लगी थी देखने के लिए कि वहाँ पर मौजूद क्या है। तभी केट ने देखा कि उस जगह पर वही पहचान वाला घोड़ा है जो कुछ समय पहले केट के पास आकर चला गया था, लेकिन असली और जानलेवा खतरा तो अब दिखाई दिया। दरअसल उस घोड़े का पीछा एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर करते हुए गुफे के अंदर आ गया था। केट तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन उसके हाथ में तीर कमान होने की वजह से वो उस क्रिएचर के ऊपर लगातार फायर करने लगी थी, जिससे कि उस क्रिएचर का भी ध्यान घोड़े से हटकर केट पर चला जाता है और अब वो लगातार केट की तरफ बढ़ने लगा था उसे खाने के लिए। केट तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर जमीन पर गिर गई थी, जिससे कि क्रिएचर ने उसका पैर पकड़ लिया होता है और अब वो लगातार उसे खींच रहा था। केट तो कैसे भी करके अपने आप को छुड़ाती है और फिर तुरंत ही बो एंड एरो की मदद से उस क्रिएचर के एकदम दिल पर वार करती है। ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इस टाइप के खतरनाक क्रिएचर्स की बाहरी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती थी, सिर्फ उनके शरीर के निचले वाला हिस्सा काफी नाजुक होने की वजह से तीर जब उसके बॉडी में लगी तब वो क्रिएचर जान से मारा गया। अब केट उस घोड़े के पास आकर उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आखिरकार केट ने ही उसकी जान बचाई हुई होती है। ताज्जुब की बात ये थी कि केट बहुत ही कम समय में उस घोड़े को अपने कंट्रोल में करने में कामयाब हो गई थी। वो तो उस घोड़े के ऊपर बैठ जाती है, जिससे कि वो अपना सफर बहुत ही कम समय में तय कर पाएगी। इसीलिए वो अब उस घोड़े के ऊपर बैठकर निकल पड़ी थी कैप्टन हंटर के पास जाने के लिए। केट ने घोड़े की मदद से कई दिनों का रास्ता कई घंटों के अंदर तय कर लिया था। कुछ ही घंटों के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वो कैप्टन हंटर के पास पहुंच जाती है, जो बहुत ही ज्यादा घायल सिचुएशन में एक गुफा के अंदर पड़े हुए थे। केट कैप्टन हंटर से कह रही थी कि कोई टेंशन मत लो, अब मैं आ चुकी हूँ। हंटर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि उसकी सिखाई गई स्टूडेंट केट अब अपने स्किल्स की मदद से इस जगह पर पहुंची है और अब उसे बहुत ही कम समय में इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस हो चुका था। कैप्टन हंटर केट को बताता है कि तुम्हें इस जगह के एकदम टॉप पर जाना होगा, जहां से तुम स्पेसशिप के सेंट्रल पार्ट को लोकेट कर पाओगी। इसीलिए अब केट कैप्टन हंटर द्वारा बताए गए रास्ते पर जाने लग जाती है। उस जगह पर घोड़ा नहीं जा सकता था, इसीलिए केट को अकेले ही जाना पड़ा। केट तो बिना रुके जंगल वाले इलाके से लगातार आगे बढ़ने लगी थी। तभी रास्ते में अचानक उसके ऊपर वही दो खतरनाक क्रिएचर हमला कर देते हैं, जो केट को डैमेज पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। अब देखते ही देखते उन क्रिएचर्स की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। केट उन सभी को लगातार चकमा देकर एक बहुत ही पहाड़ी वाले इलाके में पहुंच जाती है, जो लगातार ऊपर चढ़ने लगी थी। अब एकदम टॉप पर पहुंचने के बाद केट ने एरो की मदद से अपने पीछे आने वाले उन क्रिएचर्स के सर में लगातार वार करने लगी थी, जिससे कि वो सारे क्रिएचर्स धाराशायी होकर वहीं मारे जाते हैं। केट अब लगातार जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से शिप के उस सेंट्रल मलबे के पास पहुंच चुकी थी। कैप्टन हंटर केट को प्रोसीजर बताता है कि वो रेस्क्यू किट को कैसे एक्टिवेट करेगी, जिससे कि पृथ्वी वालों को ये सिग्नल पहुंच जाए कि उनकी मदद के लिए यहाँ पर किसी को भेजना पड़ेगा। केट वैसे का वैसा ही कर रही थी, तभी अचानक केट नोटिस करती है कि कैप्टन हंटर के ठीक पीछे एक खतरनाक क्रिएचर मौजूद है, जो कैप्टन हंटर पर लगातार हमला कर देता है। केट तो अब हंटर की जान बचाने के लिए तुरंत ही उस जगह पर वापस चली गई थी। उस पथरीले वाले इलाके में पहुंचने के बाद केट को कहीं भी हंटर दिखाई नहीं देता, सिर्फ पत्थर पर उसके खून लगे हुए थे। केट को यह पता चल चुका था कि शायद उस क्रिएचर ने हंटर को जान से मार दिया होगा। अब जब केट थोड़ा सा और आगे जाती है, तब उसे वहाँ पर एक क्रिएचर दिखाई दिया। केट को लग रहा था कि इसी क्रिएचर ने हंटर को मारा होगा, इसीलिए वो उसके ऊपर लगातार हमला करने लगी थी। लेकिन इस बार उस क्रिएचर का पलड़ा काफी ज्यादा भारी था। उस क्रिएचर ने तो केट को बहुत ज्यादा डैमेज दिया और उसे जमीन पर पटकने लगा। केट नहीं समझ पा रही थी कि वो इसे हराने के लिए क्या करे, साथ ही साथ वो इन सारी चीजों की जैसे काफी ज्यादा घायल भी हो चुकी होती है। अब लग रहा था कि वो क्रिएचर केट को जान से मार देगा, तभी पीछे से अचानक वही आदिवासी आदमी आकर उस क्रिएचर को लगातार मारने लग जाता है। शायद वो आदिवासी केट को प्रोटेक्ट करना चाहता था। दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो गई थी,
केट तो तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाकर उस जगह से निकलने का कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर उस आदिवासी ने बड़ी चालाकी से क्रिएचर की बॉडी में चाकू घुसाकर उसे जान से मार दिया होता है। पर अब केट जो उस जगह से खिसक रही थी उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। तभी वो इकलौता आदिवासी ही आता है केट की मदद करने के लिए। उसने केट को जाल से निकाला और ये भरोसा दिलाया कि वो उसका दुश्मन नहीं है। उस आदिवासी ने सबसे पहले अपना मुखौटा हटाया जिससे कि केट को पता चलता है कि ये भी उसकी तरह एक इंसान है। उस आदमी का नाम लोगन था जो कहता है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह एक स्पेस मिशन में कई सालों पहले इस जगह पर क्रैश हो गया था और तब से मैं इस जगह पर फंसा हुआ हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे बचे हुए साथी कहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस प्लेनेट के बाकी सारे आदिवासी बाहर से आने वाले एस्ट्रोनॉट्स और लोगों को जान से मारना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं तो उल्टा शुरुआत से ही तुम्हारी मदद करना चाहता था। केट तो सबसे पहले लोगन की बॉडी पर लगे हुए घाव को ठीक करने लग जाती है। साथ ही साथ वो लोगन की एकदम बॉडी बिल्डर बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। अब यहाँ लोगन ने बताया कि अगर हम साथ मिल जाएं तब यहाँ से निकल सकते हैं। लोगन की सारी बातें सुनने के बाद केट को उसके ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है। लोगन ने बताया कि तुम्हारे बाकी साथियों को उन क्रिएचर्स ने ही खत्म किया है जिसके अंदर हम लोगों का कुछ हाथ नहीं था, लेकिन अब उन आदिवासियों के लीडर ने मेरी बेटी को पकड़ लिया था, इसीलिए अब मुझे उसके पास जाना पड़ेगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। केट भी लोगन की इस मिशन में उसका साथ देने का डिसाइड करती है, इसीलिए अब दोनों घोड़े पर बैठकर तुरंत ही निकल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अब यहाँ रास्ते में लोगन ने केट को एक बहुत ही मिस्टीरियस बात बताई। उसने कहा कि ये प्लेनेट और कोई नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी ही है। दरअसल जब पृथ्वी की कंडीशन रहने लायक नहीं हो गई थी तब सारे इंसान स्पेसशिप में बैठकर ब्रह्मांड के किसी दूसरे प्लेनेट की तरफ जाने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ही अंदर पृथ्वी की कंडीशन फिर से नॉर्मल हो गई जहाँ पर हम इंसान बड़े आराम से रह सकते थे। अब यहाँ लगातार अपना सफर तय करते हुए केट और लोगन उस बड़ी सी गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो खतरनाक मॉन्स्टर्स रहा करते थे। केट को भी याद आता है कि उस मॉन्स्टर ने उसे भी पकड़कर इसी गुफा में लेकर आया था। दोनों ही जब अंदर चले गए तब उन्होंने देखा कि वो खतरनाक क्रिएचर्स पकड़े गए सारे इंसानों को एक साथ जमा करके उन्हें अपना गुलाम बना रहे थे। क्रिएचर्स तो भूख लगने पर उन्हें कच्चा चबा जाते। तभी यहाँ केट और लोगन बिना देरी किए उन क्रिएचर्स पर हमला करने लग जाते हैं। देखते ही देखते उन दोनों ने वहाँ पर मौजूद सारे क्रिएचर्स को जान से मार दिया था। केट को तो वहाँ पर अपने कुछ एस्ट्रोनॉट दोस्त भी मिल जाते हैं जिसे कि वो आजाद कर रही थी। हालांकि केट के बाकी दोस्त पूछ रहे थे कि आखिर तुमने किसी बाहरी आदमी को इस मिशन में शामिल क्यों किया। तब जाकर केट बताती है कि हम लोगन पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारी तरह कई सालों पहले स्पेसशिप से इस प्लेनेट पर आया था और ये प्लेनेट और कुछ नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी ही है। अब यहाँ लोगन ने बताया कि तुम्हारा कैप्टन हंटर अभी तक जिंदा है, वो तो सिर्फ थोड़ा हार्ट अटैक होने की वजह से बेहोश हो चुका था। केट जल्द से जल्द कैप्टन हंटर को एक झटका देकर उठा देती है, लेकिन उसे बहुत बुरी बात ये लगती है कि उसके सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 या 3 ही स्टूडेंट्स बचे होते हैं। यहाँ लोगन को अपनी बेटी का वो छोटा सा मास्क दिखाई देता है जिसे पाने के बाद वो थोड़ा सा दुखी हो गया था कि शायद उसकी बेटी जिंदा भी बची होगी कि नहीं। हंटर को भी ये बात पता चली कि ये प्लैनेट पृथ्वी है जहाँ से बचने के लिए वो दूसरे प्लैनेट पर जा रहे थे, लेकिन इतने सालों के अंतराल के बाद पृथ्वी का वातावरण चेंज हुआ और सूर्य की रोशनी एकदम नॉर्मल हो गई। लोगन अब बाकी सारे लोगों के साथ गुफा से बाहर निकलने लगा। केट तो अपने मरे हुए मेंबर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए उस गुफा को पूरा का पूरा जला देती है। अब यहाँ लोगन को बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी अपनी बेटी की, इसीलिए वो लगातार अपनी बेटी का नाम पुकारने लगा। तभी डस्टिन नाम का एक दूसरा एस्ट्रोनॉट लोगन को चुप कराता है क्योंकि उसकी आवाज की वजह से और भी सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते थे। लोगन और डस्टिन दोनों के बीच एक छोटी सी लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन केट जल्द से जल्द उनके बीच आकर उन दोनों को अलग करती है। केट ने तो अब अपनी एडवांस डिवाइस की मदद से उस पूरे गुफा को स्कैन करने लगी थी जिससे कि वहाँ पर कोई जिंदा जीव मौजूद है इसके बारे में पता लगाया जा सकता था। उस डिवाइस की मदद से जल्द वो इस बारे में पता लगा लेती है कि लोगन की बेटी आखिर कहाँ पर छुपी हुई थी। लोगन तो जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास पहुँचकर उसे वहाँ से बचा लेता है।
दरअसल वो क्रिएचर्स लोगन की बेटी को पकड़कर तो लाए थे, लेकिन वो डरकर एक कोने में जाकर छुप गई। लोगन अपनी बेटी को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, इसीलिए अब वो अपनी बेटी को लेकर इस गुफा से निकलने का डिसाइड करता है। लेकिन ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इजी नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब तो देखते ही देखते उस गुफा के चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स आने लगे थे। ये क्रिएचर्स बाकी क्रिएचर्स से बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बड़े होते हैं, जो लगातार लोगन और डस्टिन पर हमला करने लगे थे। केट तो हंटर के साथ लोगन की बेटी को लेकर दूसरी तरफ निकल जाती है, पर अब यहाँ उनमें से एक क्रिएचर ने डस्टिन के गले पर काट लिया था। डस्टिन बहुत ही ज्यादा घायल होता है। तभी लोगन डस्टिन की मदद करता है उस क्रिएचर को अपने आप से छुड़ाने के लिए। लोगन ने तो उस क्रिएचर को मार गिराया था, पर अभी भी बहुत सारे क्रिएचर थे जो उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं केट और हंटर पर भी कुछ क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था। केट लगातार लोगन की बेटी को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उन क्रिएचर्स को मारते जा रही थी, पर यहाँ क्रिएचर्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब लोगन घायल हुए डस्टिन को मदद करता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। अच्छी बात ये थी कि लोगन डस्टिन को लेकर केट और हंटर के पास पहुँच चुका था। वो सब अब एक पूरी टीम बनकर अपने आसपास आ रहे सारे क्रिएचर्स को मारने लगे थे। लोगन की बेटी भी बड़ी बहादुरी तरीके से उन क्रिएचर्स का सामना कर रही होती है। बहुत ही कम समय में उन लोगों ने मिलकर वहाँ मौजूद आधे से ज्यादा क्रिएचर्स को मार गिराया था, जिसके बाद वो सब धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलने लग जाते हैं। पर तभी अचानक बाहर वही बहुत सारे आदिवासी आ गए थे, जिनका लीडर पॉल होता है। उन लोगों ने तो घायल पड़े हुए डस्टिन को तीर मारकर उसे जान से खत्म कर दिया था, और अब तो वो सब लोगन की तरफ बढ़ने लगे थे केट और हंटर को जान से मारने के लिए। लेकिन लोगन पॉल और उसके आदमियों को बताता है कि इन लोगों ने मेरी बेटे को बचाने में मदद की थी और ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी पॉल ये बात नहीं मानता और लोगन को ही अपना दुश्मन बना लेता है। इसीलिए अब दोनों ही ग्रुप के बीच एक घमासान फाइट होने लगी थी। केट हंटर लोगन लगातार पॉल के आदिवासी लोगों से फाइट कर रहे थे, जो कई सारे लोगों को मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब यहाँ पॉल ने उन सभी को खत्म करने के लिए अपने हाथ में एक बॉम्ब ले लिया, जिसे कि वो उनकी तरफ फेंकने ही वाला था। तभी अचानक वो बॉम्ब पॉल के हाथ में ही फट जाता है, जिससे कि पॉल की बॉडी के चिथड़े चिथड़े हो गए थे। पॉल के इस तरीके से मरने के बाद उन सारे आदिवासियों का लीडर अब खत्म हो चुका था। इसीलिए अब यहाँ लोगन एक लीडर की तरह बात करते हुए आदिवासियों को समझाता है कि हमें अपने ही प्रजाति के लोगों को मारने के सिवाय उनके साथ मिलकर अपनी पृथ्वी को वापस से बनाना चाहिए, जिससे हमें किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने की नौबत ही ना आए। उन आदिवासियों ने तो अब लोगन को ही अपना लीडर बना लिया था और उसकी बात अच्छे से मानने लगे। सारी चीजें ठीक होने के बाद केट लोगन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। केट तो कहीं न कहीं लोगन से प्यार भी करने लगी थी, और अब लोगन केट और उसकी बेटी की एक बहुत ही अच्छी छोटी फैमिली बन जाती है। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।